मैं मेवात के इलाके से ज़मीन से बोल रहा हूँ। मेवात का इलाका है जहाँ कभी हसन खां मेवाती हुए हैं जो बाबर से लड़े थे। ये वो इलाका है जहाँ रहीम की माँ जहाँ पैदा हुई थी, और ये वो इलाका है जहाँ गंगा जमुना तहजीब का हमें दर्शन होता है। ये वो इलाका है जहाँ पर हिंदू और मेव में, हिंदू और मुसलमानों में के रीति रिवाज इतने कॉमन रहे हैं, इतने एक से रहे हैं कि फर्क ही नहीं महसूस होता है कि ये हिंदुओं का रिवाज है या मुसलमानों का। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जिस मौके पर हम यहाँ आए हैं, एक दर्दनाक घटना, एक बहुत बड़ी हैवानियत वाली घटना यहाँ पर हुई है 24 तारीख की रात को, जब दो लड़कियों से सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें से एक लड़की माइनर है, दो कत्ल किए गए और तीन लोगों को गंभीर चोटें मारी गई। यह हादसा सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है। मैं जो समझ पा रहा हूँ पूरा टोटेलिटी में सारी चीज़ों को देखते हुए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि लंबे समय से मेवात में किसी तरीके का सांप्रदायिक तनाव नहीं हो पाया, जबकि बार बार इसके लिए प्रयास किए गए, बार बार इसके लिए घटनाएं की गई, चाहे वो ताउड़ू में कभी हुई है, चाहे कभी पुनाना में हुई है। लेकिन सबके बावजूद यहाँ के लोग इतने समझदार निकले कि वो कभी भी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए, उन्होंने कभी दरार पैदा नहीं होने दी। और इसी बात का सबूत है कि आज जब पंचायत हुई डिंगरहेड़ी में, जब जो जहाँ घटना स्थल है वो हजारों लोग इकट्ठे हुए, वो हजारों लोगों में हर तबके के लोग थे, हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, और सभी ने एक मत से, एक स्वर से उस घटना की निंदा की और अपराधियों को दंड देने की मांग की। लेकिन इसका एक पक्ष जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ के लोगों ने तीन दिन पहले यहाँ के SHO को रिपोर्ट कराया था कि यहाँ पे जो KMP एक्सप्रेस वे है, कुंडली मानेसर पलवल का जो एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे पूरी रात आपराधिक किस्म के लोग कहीं ना कहीं, कभी गोरक्षा के नाम पे, कभी लूट के नाम पे वहाँ, और जो है ना उन्होंने दारू के अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं, और इस टाइप की रिपोर्टें पहले भी पुलिस को दी जा चुकी है। इसके बावजूद वहाँ पे एहतियात नहीं बरती गई, चौकसी नहीं की गई, और वही तत्व जो पूरी रात वहाँ पे अपना इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां करते हैं, लूट खसोट का काम करते हैं, उन्हीं लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अगर पुलिस चौकस होती तो शायद ऐसा काम नहीं हो पाता। अगर रात को जो गौरक्षा के नाम पे जो सड़कों पे जिन लोगों का कब्जा होता है, वो लोगों की को हटा दिया जाए तो शायद ऐसा काम नहीं होता। दूसरी बात कि ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद FIR की रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो बड़ा उदासी होती है, बड़ी निराशा होती है। ना उसमें 307 है, ना उसमें 376 का सेक्शन है, ना उसमें जो गंभीर चोटों का से जुड़े हुए सेक्शन है, वो सारे के सारे सेक्शन उसमें हटा दिए गए हैं। स्पष्ट है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और बहुत ही अमानवीय तरीके से ये बलात्कार हुआ है। स्पष्ट है कि बहुत बुरी तरह से दो हत्याएं की गई है। स्पष्ट है कि तीन लोगों को बांध कर बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये दफाएं नहीं लग पाए। ये दफाएं क्यों नहीं लग पा रही है तो ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। तो मैं स्वराज अभियान के हरियाणा के सेक्रेटरी होने के नाते इस बात की मांग करता हूँ कि पुलिस मुस्तैदी से अपना काम करे। पुलिस जो है, जो दफाएं लागू होती है, धाराएं लागू होती है, उनको लागू करें और इसको अपराधियों को दंड देने का पूरा चाक चौबंद तरीके से आगे आए। और प्रशासन से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी तरीके से यहाँ पे तनाव पैदा ना हो जाए, इस बात के लिए ध्यान ख्याल रखें, पूरा का पूरा चौकस रहे, और यहाँ की जनता से को इस साजिश से दूर रहना पड़ेगा कि कल कहीं ना कहीं ये कोई सांप्रदायिक दंगे का तो
कहीं कोई षड्यंत्र ना हो, तो ये मामला अपराधियों को अपराधियों की तरह से ही डील किया जाए, अपराधियों को अपराधियों की तरह से ही सजा दी जाए और उनको एक तरफा किया जाए, और बाकी जितने भी शांति प्रिय लोग हैं वो इकट्ठे रहें, वो मिलजुल के रहें और किसी भी साजिश का शिकार ना बने। इस स्वराज अभियान की तरफ से मैं ये अपील कर रहा हूँ। धन्यवाद।